हिमाचल की राजधानी शिमला के शोधी महली बाईपास रोड पर शनिवार को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह ट्रक सेब की पेटियों से लदा हुआ था। इसमें सवार ड्राइवर और कंडक्टर घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए IGMC ले जाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबीर सिंह निवासी अशोकनगर मध्य प्रदेश ने मामला दर्ज करवाया है कि वह ट्रक नंबर RJ11GB0515 में सवार होकर सोधी महली बाईपास रोड पर जा रहे थे। जैसे ही सीवरेज प्लांट के पास पहुंचे, ट्रक ड्राइवर ने शॉर्टकट ले लिया और ट्रक रोड से नीचे गिर गया। ट्रक में सेब के 745 बॉक्स थे। इसकी कीमत बाजार में लगभग 11 लाख रुपए है। ऐसे में सेब की सारी पेटियां बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि यह ट्रक किसी लदानी का था जो राजस्थान के जयपुर जा रहा था। जयपुर की मंडी में सेब बेच जाने थे। ऐसे में लदानी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मैकेनिकल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो अब इसकी जांच करेगी। वहीं ट्रक मालिक को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।